आज मैंने अमृतसरी आलू वाला कुलचा बनाया है। देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल बाजारी कुलचे जैसा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी होता है। इसके लिए हम आधी कटोरी से थोड़ा कम गर्म पानी लेंगे और 3 चम्मच के करीब मैंने दूध लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी मैदा डाल देंगे। हमने एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, जैसा रोटी के लिए डो होता है उससे थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे इसे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देंगे। इसके बीच में एक होल बनाकर इसमें हम 2 चम्मच तेल या घी डालेंगे। मैं इसमें घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। घी डालने के बाद हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाला मैंने इसे। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। अगर आपको मैदा कम लगे तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा ही पतला हो गया है तो थोड़ा सा आप मैदा इसमें और डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैदा और नहीं डालना है, लेकिन जो डो है वो हमने नरम तैयार करना है इसका। ये देखिए पहले पहले ये हाथ से चिपकता है, लेकिन जैसे ही हम इसको 10 से 12 मिनट तक हमने इसको मल लेना है, फिर ये सेट हो जाएगा और हाथ से चिपकना बंद हो जाएगा। ये देखिए इस समय ये मेरे हाथ से चिपक रहा है, लेकिन मैं इसको मलती जाऊंगी। मसल मसल कर हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए ये सेट हो गया है, नरम डो तैयार कर लिया मैंने इसका। इसको हमने 1 घंटे तक रेस्ट दिलाना है। रेस्ट ज़रूर दिलाइएगा 1 घंटे तक कम से कम। ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। डो को हम रेस्ट के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब उबले हुए आलू लेंगे हम। 4 से 5 मैंने आलू लिए हैं, जो मीडियम साइज़ के हैं। इनको हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च, धनिया, प्याज, मसाले डालेंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और मिक्स कर देंगे इनको अच्छी तरह से। आप चाहे तो इसमें अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं। हाथ से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब 1 घंटे के बाद हमारा डो जो है, हम इसको फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने के बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। 1 कटोरी मैदे से 4 कुलचे बन जाएंगे। पेड़े मैंने बना लिए हैं। इनको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। सूखा मैदा डालकर इसको हम रोटी की तरह हमने बेल लेना है। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, आलू डालेंगे। ये देखिए इसको ऐसे स्टफ कर देंगे। इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे, बेलन से हमने इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको रोल करने के बाद, रोटी को बेलने के बाद, हम इसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, हल्का सा मोटा रखेंगे। इसको बेलने के बाद अब हम ओवन की ट्रे लेंगे। ट्रे के ऊपर मैंने रख दिया इसे। ओवन को मैंने 250 डिग्री पर प्री हीट कर रखा है। अब हम 5 से 7 मिनट के लिए कुलचे को रोस्ट कर लेंगे ओवन में। आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा। ये देखिए 7 मिनट के बाद हमारा कुलचा बनकर तैयार हो गया है। 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको पकने में। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कुलचा बनकर तैयार हुआ है। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी बनता है।
ये देखिए बिल्कुल अमृतसरी क्रिस्पी कुलचा बना है ये। इसके ऊपर से मैं घी डाल दूंगी। ये देखिए आप मक्खन भी डाल सकते हैं। टेस्टी और क्रिस्पी कुलचा बनकर तैयार है। इसे मैंने चने और चटनी के साथ सर्व किया है। चने और चटनी की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।